न्यूज सिर्फ सच। जिले में रामलीला का मंचन अंतिम दौर में है। दुद्धे में आज भगवान राम की अयोध्या वापसी और भरत से मिलाप का प्रसंग मंचित किया गया। इस दौरान भगवान राम की चौकी भी निकाली गई। जिला प्रशासन एक साथ दो समुदायों के त्योहारों को संभालने में नाकाम साबित हुआ। प्रदेश में जहां अधिकांश स्थानों पर ताजिए और मूर्ति विसर्जन एक साथ हुए, रॉबर्ट्सगंज में हालात उल्टे नजर आए। यहां जिला प्रशासन ने दिन में मूर्ति विसर्जन की इजाज़त ही नहीं दी, देर शाम को मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। इसे लेकर लोगों में आक्रोश रहा। बाद में लोगों ने पूरी आस्था के साथ मां की मूर्ति का विसर्जन किया। अक्सरा चौका घाट में मौनी बाबा के प्रसिद्ध मेले में राम रावण के युद्ध का एक दृश्य देखिए। गुरावल ब्लॉक के मुक्कर सिंह गाँव में दंगल का आयोजन हुआ। इसमें सोनभद्र के चंचल पहलवान और मिर्जापुर के सत्यनारायण पहलवान के बीच जोरदार मुकाबला रहा। चंचल पहलवान ने मिर्जापुर के पहलवान को हराकर 51,000 रुपए की इनामी राशि जीती। गोरावल नगर से धर्मशाला परिसर में स्थापित जगत जननी माता दुर्गा की प्रतिमा का रविवार को धूमधाम के साथ विसर्जन कर दिया गया। सोनभद्र में मुहर्रम के अवसर पर कई जगह ताजिया निकाले गए। सुखपेट थाना क्षेत्र के तकिया गांव में पूरे अकीदत के साथ ताजिया निकालकर दफन किया गया। चोपन थाना क्षेत्र के बर्दिया निवासी 35 वर्षीय बंसी लाल ने शराब के नशे में खुद को आग लगा ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अम्बार ग्राम पंचायत के सिद्धवा दामर गांव में शनिवार की मध्य रात्रि राम वचन भूया पुत्र राम दुलार के घर के बाहर खड़ी बाइक में अराजक तत्वों ने आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी। बाइक के साथ साथ कच्चा घर भी आग की चपेट में आ गया। पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्दवा के वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले नवीन खेतान की पत्नी मनीषा ने ससुराल पहुंचकर खुद को आग लगा ली। मनीषा का पति से विवाद चल रहा था। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के तहत सोमवार को नगर पंचायत चुर्क गुरमा वार्ड नंबर 16 में स्वच्छता मैराथन दौड़ सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर सरस्वती शिशु मंदिर पर समाप्त होगी। सोन साहित्य संगम के तत्वाधान में सोन शिखर का विमोचन आज रॉबर्ट्सगंज के प्रभा गेस्ट हाउस में किया गया। किसी वेबसाइट पर जाने की झंझट न लिंक ओपन करने की जरूरत, सीधे अपने मोबाइल पर देखें अपने जिले का दिन भर का हाल। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल में सेव करिए 9140255835। अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और फिर ले मोबाइल पर दिन भर की खबरों का हाल।